दोस्तों होली के त्यौहार के दिन श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ रंगों और फूलों के साथ साथ रास लीला भी की जाती है। इसके अलावा मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में होली के एक महीने पहले से ही होली खेलना शुरू हो जाती है। यहाँ की होली देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस है, इसलिए होली खेलने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज हम आपको श्री कृष्ण की इसी मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत और विशेष रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में है। ये देश के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है जो कि श्री कृष्ण को समर्पित है। इसके अलावा इस मंदिर की होली भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ होली से एक दो या तीन दिन पहले नहीं बल्कि 40 दिन पहले रंग गुलाल से होली खेलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर लठमार होली भी खेली जाती है। दोस्तों श्री बांके बिहारी मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर के दर्शन श्रद्धालुओं को टुकड़ों टुकड़ों में कराए जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति है वो अपने भक्तों के साथ उनके घर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि एक बार भरतपुर की रानी यहाँ पर श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आई थी। जब उन्होंने श्री बांके बिहारी को देखा तो वो उन्हें देखती ही रह गई, जिसके बाद ठाकुर जी खुश होकर उन्हीं के साथ चले गए। मंदिर में कहीं भी ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। जब बाद में पता करा तो ठाकुर जी की मूर्ति रानी के महल में मौजूद थी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला कि मूर्ति महल में कैसे गई। हालांकि फिर बाद में रानी ने ठाकुर जी की मूर्ति वापस कर दी। इसके बाद से हर दो दो मिनट में ठाकुर जी की मूर्ति के सामने से पर्दा किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि श्री बांके बिहारी मंदिर के कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन ही मंगल आरती होती है, वहीं साल में एक बार ही भक्तों को श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के चरणों में चंदन का लेप लगाया जाता है और सिर्फ उसी दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वहीं श्री बांके बिहारी साल में सिर्फ एक बार ही बंसी और मुकुट धारण करते हैं। दरअसल मान्यता है कि ठाकुर जी के हाथ बहुत ज्यादा कोमल होते हैं और इसलिए हर समय उनके हाथ में बांसुरी नहीं रहती। वैसे दोस्तों क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता थे? नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा ना लिखना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।